राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे जॉन अब्राहम के बारे में। भारतीय अभिनेता के होने के साथ साथ जो है निर्माता और पूर्व मॉडल भी रह चुके हैं। वे अपनी अच्छी खासी बॉडी की वजह से जाने जाते हैं और इस कारण जो है युवाओं में इनका काफ़ी खास क्रेज है। कई विज्ञापनों और कंपनी में मॉडलिंग करने के बाद जॉन ने फिल्मों में शुरुआत की थी। उन्होंने अपना डेब्यू फिल्म ऋषम से किया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू के लिए नामांकित फिल्म फेयर भी मिला था। उनकी पहली कमर्शियल सक्सेस धूम मचा रही थी। उन्हें दो बार जो फिल्म फेयर अवार्ड नेगेटिव रोल के लिए भी मिल चुका है। एक बार जो है धूम के लिए और एक बार जिंदा फिल्म के लिए। फिल्म वाटर के लिए भी उनकी खास तारीफ हुई। फिल्म बाबुल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया। 2012 में उन्होंने फिल्म क्षेत्र निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। फिल्म विकी डोनर से निर्माता के रूप में भी उन्होंने शुरुआत की। फिल्म को आलोचकों के साथ जनता ने भी काफ़ी पसंद किया। यह फिल्म जो सफल रही। फिल्म का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ हटकर था। इसके बाद उन्होंने स्वयं का प्रोडक्शन हाउस भी सेटअप किया। उनका नाम जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट है। निर्माता के तौर पर उनकी दूसरी फिल्म मद्रास कैफे रही, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। वे बॉलीवुड में सेक्स सिंबल के रूप में भी जाने जाते हैं। वे इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सह मालिक भी हैं। उन्हें अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। जॉन अब्राहम का जन्म जो है केरला में हुआ था। उनके पिता जो मलयाली थे तो माँ थी गुजराती। जॉन ने अपने जीवन का ज़्यादातर वक्त जो है अपनी माँ के साथ बिताया है, इसलिए वे जो है काफ़ी अच्छी गुजराती बोल लेते हैं। उनके पिता का नाम अब्राहम जॉन है, जो कि आर्किटेक्ट है। उनकी माँ का नाम फिरोजा ईरानी है। जॉन का पारसी नाम फरहान है। वहीं उनके पिता के क्रिश्चियन होने के नाते उन्होंने उनका नाम जॉन रखा। उनकी एक बहन भी है, उसका नाम है सूसी मैथ्यू। उनका एक छोटा भाई भी है। पढ़ाई जो उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से की। उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री जैन कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने MET कॉलेज से MS में भी प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने NRI और इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंसाल से शादी की है। जॉन ने अपने मॉडलिंग करियर पंजाबी गायक जज्जीवी के गाने सुरमा के म्यूजिक वीडियो से किया था। इसके बाद उन्होंने एक मीडिया फर्म टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रोमोशंस लिमिटेड को ज्वाइन किया, जो कि बाद में आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया था। बाद में उन्होंने एंटरप्राइजेज नेक्सस के लिए मीडिया प्लानर के तौर पर भी काम किया। 1999 में उन्होंने ग्लैड ट्रैक्स मैन हंट कॉन्टेस्ट भी जीता। इसके लिए वो फिलीपींस गए थे और सेकंड रनर अप रहे। बाद में जॉन ने हांगकॉन्ग, लंदन और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की। फिर वे कई विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। मशहूर गायकों के म्यूजिक वीडियोज में भी दिखाई दिए, जिनमें पंकज उधास, हंस राज, हंस बाबुल सुप्रियो जैसे प्रसिद्ध गायक शामिल हैं। अपने अभी नेक्स्ट मुताबिक निखारने के लिए उन्होंने किशोर नमित कपूर के स्कूल से एक्टिंग कोर्स पूरा किया। बाइकिंग का उन्होंने काफ़ी शौक़ है और एक बार वो जो है बाइक लेकर जा रहे थे तो जो है दो व्यक्तियों को जो है टक्कर लग गई थी, लेकिन वो जो है छोड़कर नहीं भागे, उनको लेकर अस्पताल गए। बाद में इसके लिए उनको जेल भी हुई थी और वे बाद में जमानत पर आ गए थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म जिसम से की थी, जो एक थ्रिलर फिल्म थी। इसके बाद धूम में नेगेटिव रोल में रहे, जिसमें चोर की भूमिका निभाई थी। और बाइक राइडिंग का उन्होंने काफ़ी शौक है। उसी साल जो उन्होंने वाटर फिल्म में काम किया। 2006 में जो है उनकी फिल्म
एकेडमी अवार्ड के लिए नामित हुई थी। इसके बाद उन्होंने जिंदा टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस में दिखाई दिए। इनमें से ये बाबुल और काबुल और टैक्सी नंबर 9211 दोनों फिल्में सफल रही। 2007 की पहली फिल्म निखिल आडवाणी की सलामी इसके ट्रिब्यूट टू लव थी, ये जो खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म ने विदेशों में जो अच्छी कमाई की। उसी साल उनकी दो और फिल्म नो स्मोकिंग धन धना धन गोल भी रिलीज हुई। 2008 में उनकी फिल्म दोस्ताना हिट हुई। इसके बाद अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा भी थे। 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क भी उनकी सफल रही और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाद में वे फोर्स फिल्म देसी बॉयज और हाउसफुल 2 में भी दिखाई दिए। फोर्स में उनकी बॉडी का जो है पर्दे पर भरपूर इस्तेमाल किया गया। उनके द्वारा एक बाइक उठाई गई, ये सीन जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके बाद वे रेस 2 में भी दिखाई दिए। इसके बाद वेलकम बैक में भी ये दिखाई दिए लीड रोल में। सबसे अच्छा काम जो है इन्होंने शूट आउट एट ओडाला फिल्म में किया, जिसमें वे गंगेस्टर मानिया सुरभि के रोल में दिखाई दिए, जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। फिल्म ने जो काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था। बिपाशा बसु के साथ इनका लंबा फेयर चला। जिसम फिल्म की शूटिंग के दौरान जान ने अपनी को स्टार बिपाशा बसु को डेट करना शुरू किया। वे 2011 तक जो है रिलेशन में रहे। दोनों के रिलेशन के दौरान भारतीय मीडिया ने उन्हें सुपर कपल तक करार दे दिया था। सामाजिक सेवा भी करते हैं जॉन की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने 1,00,000 रुपये तक की राशि लीलावती अस्पताल को दान की है। हाल ही में जॉन की फिल्म मुंबई सागा और सरदार को ग्रैंडसन जो है रिलीज हुई है। और अब इनकी फिल्में काफ़ी चल रही हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दियो।